जोर से बोलो। हम भैया कुछ भी नहीं है, जो कुछ है बागेश्वर बालाजी हैं, बस इतना ही कह रहे हैं हम तो। आओ माता जी, माइक लो पहले नंबर। तो कहां से आई? सागर कुटी बेटमा। यहाँ एक पत्रकार बैठे हैं। नहीं आप नहीं, आप तो हो, आपके बगल में कौन सी न्यूज है? अरे आपकी तो ठीक है। अच्छा चलो तुम तो आई जाओ, तुम्हारी क्लास लगाऊंगे हमें। नहीं जरूरी नहीं। बोलो बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की, हनुमान जी महाराज की, सदगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। माइक लो पत्रकार महोदय, इधर आओ। आप वही हो ना जो एक बार एक माननीय हमारे बड़े प्यारे मंत्री जी के साथ आए थे? अच्छा बे का खुरापात थी? दिमाग में कोई खुरापात थी क्या? नहीं, दर्शन करने तो बहुत अच्छे आए। कौन सी न्यूज है आपकी? नौकरी करते तो वही तो। भाई भाई मैं बार बार सिग्नल आए तुम्हारे नाम के, हम टेंशन में हो गए। बोले एक आंगन डी के पास में एक पत्रकार भेज बैठो खुरापाती। हाँ सो यही से हमने बोला लो। माइक लो, क्या पढ़ाई है आपकी? जी महाराज जी, पढ़ाई क्या है? पढ़ाई मैंने बीए एलएलबी और पत्रकारिता में स्नातक किया है। एजुकेशन में? पत्रकारिता में डिग्री ली है। वाह, इनको समस्या क्या है? आप इनके चेहरा की तरफ देख के बताओ। मैं कैसे बता सकता हूँ? तो हनुमान जी महाराज बता सकते हैं। माता जी हैं, इनकी चेहरा की तरफ देखो, का हो सकत? मैं थोड़ी अंतर्यामी आप हैं। नहीं नहीं नहीं, हम अंतर्यामी नहीं, कोशिश करो ना, हो सकत हम वो नहीं, वो क्या बोलते हैं, वो चेहरे को देख लेने वाली, वो क्या बोलते हैं उसे, फेस रीडिंग आप करो। पढ़े लिखे हो ना, बहुत अनुभव भी है, बहुत लोगों से भी जोड़ते हैं। करो करो कोशिश तो। मैं नहीं बता सकता, इतनी सी आपके सामने कैसे बता सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, हम तो कुछ है ही नहीं, जीरो बटा जीरो है, पगला आदमी मुंह रखा। आप कोशिश करो, इससे आपको बहुत प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे, आपके साथ बहुत लोगों को मिल जाएंगे जो कहते हैं कि सामने बैठते ही पढ़ लेते हैं। कोई और ऐसा कर सकता है जो दावा करता हो कि सामने बैठे व्यक्ति के मनोभाव हम कुछ कुछ बता देंगे? आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये होती जो होगी जी, चेहरे को पढ़ लेना होता है ऐसी कोई कला? नहीं, वो तो जिसको उसका ज्ञान हो वही कर सकता है। सब नहीं। अच्छा, ना चेहरा कोई देखे हो बता दे तो इसका मतलब कुछ कृपा है? आप मानते हो? बिल्कुल, तभी तो आपके दरबार में आए। बाहर में गाओ जाओ तो मन माने तो हमें। बेटी है, बिटिया को झटका आते चल नहीं पाती, शरीर शिथिल है, पैर अकड़े हुए हैं, सुन्नपन है, ब्रेन में समस्या है, डॉक्टर ने लाइलाज घोषित किया हुआ है। बच्ची पर कृपा होगी, चिंता मत करें। लार टपकाती रहती है, लार टपकाती रहती है, पूर्ण आराम नहीं लगना, पर 20% की गारंटी हमारी है, आशीर्वाद है। जय श्री राम। अब यहाँ सब पढ़ाई? और पत्रकारिता भी? जीरो।
विज्ञानिकता भी जीरो, अब को बचे धर्म। बागेश्वर बालाजी जय श्री राम। ये हम आपको तो हमने मोहरा बनाया था, तीन लोग बैठे थे जिनके दिमाग में ये था कि हो सकता महाराज जी जो बोल रहे हैं वो अनुभव कर लेते हैं। अनुभव से एक शब्द नहीं आ सकता है, हाँ कोई कर ले तो उसको वो कर लेने पड़ते हैं, क्या बोलते हैं क्लू, चार शब्दों का क्लू लेगा तब पांचवा बता पाएगा। लेकिन कृपा में किसी क्लू की आवश्यकता नहीं होती, कृपा में तो बैठो और उनको वीडियो चालू और कृपा शुरू। हाँ विराज कहाँ हैं विश्वास जी, कल आ रहे हैं क्या? हो सकता है, मेरी सुबह बात हुई थी लेकिन ये आने की, मैंने भी बताया कि मैं आया हूँ यहाँ पर आपके दर्शन करने, मैंने ये उनको बता दिया कि मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। वाह खुश रहो, बैठो मिलकर जाना आप, हाँ मिलकर जाना हमसे, मिलकर जाना विराजो माता जी।